आउज़बिल्ल मिनई तो बिमिल्लर अल्लाम वरम्त लबरक़ सच्चे ख्वाब सच्चे ख्वाब की निशानियाँ कौन सी हैं सच्चे ख्वाब किन लोगों को आते हैं रसूल सल वसम ने इसके मुतिक क्या बयान फ़रमाया है ख्वाब देखने वालों को अक्सर जस्तजू रहती है कि जो ख्वाब हमने देखे हैं क्या वो ख़्वाब सच्चा है और उसकी ताबीर हमें कब तक मिलेगी आज की वीडियो बहुत खास और अहम है उन लोगों के लिए जो इन मालूम को जानना चाहते हैं आज के ख्वाब जो मैं आपको बयान करूंगी इस वीडियो के अंदर इसमें पांच वो निशानियां हैं जो सच्चे ख्वाब की तरफ इशारा करती है इस बात को बिल्कुल याद रखिए कि झूठा ख्वाब शैतान की तरफ से होता है और सच्चा ख्वाब अल्लाह ताला की तरफ से होता है आइए फिर अपनी वीडियो शुरू करते हैं सच्चा ख्वाब उसकी पहली निशानी यह है कि सच्चे लोगों को सच्चा ख्वाब आता है वो इंसान जो हक सच बात बोलता है और सच्चाई से काम लेता है उसका ख्वाब भी सच्चा होता है यही वजह है कि नबियों और वलियों के ख्वाब हमेशा सच्चे होते थे सच्चे ख्वाब की दूसरी निशानी रसूल्ला वसलम का इर्शाद है आखिर वक्त यानी क़ुरब क्यामत के वक्त मोमिन का ख्वाब सच्चा होगा झूठा नहीं होगा इससे मुराद यह है कि जब क़्यामत की अमात नमदार हो जाएंगी तो उस वक्त जो मोमिनीन होंगे उनके ख्वाब सच्चे होंगे तीसरे सच्चे ख्वाब की निशानी यह है कि सुबह सादिक का ख्वाब सच्चा होता है यानी कि फ़जर का टाइम जब शुरू हो और उस वक्त कोई ख्वाब देखा जाए तो वो ख्वाब सच्चा होगा सच्चे ख्वाब के आने की चौथी निशानी ये है कि ऐसे शख्स का काम बहुत जल्दी हो जाता है उसकी मुरादें बहुत जल्द पूरी हो जाती हैं क्योंकि सच्चा ख्वाब अल्लाह ताला की तरफ से होता है इसलिए उनके दिलो दमाग में सच्चा ख्वाब महफूज होता है और उम्र के किसी हिस्से में भी ऐसा शख्स ख्वाब को भूलता नहीं है सच्चे ख्वाब की पांचवी निशानी जो लोग सच बोलते हैं और झूठ से इज्तनाब करते हैं उनको सच्चे ख्वाब आते हैं और फिर सारी जिंदगी ही सच्चे ख्वाब आते हैं ऐसे लोग अगर सच का बहुत ज्यादा करें तो ख्वाब की ताबीरत बहुत जल्द हासिल भी कर लेते हैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो अच्छी लगी तो अपने कमेंट से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा अगर आप किसी ख्वाब की ताबीर मालूम करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख भेजिए मैं बहुत जल्द उसका रिप्लाई आपको दे दूँगी